नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर तिवारी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग। सबका बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आज फिर एक वीडियो हाजिर हूं। और जब तक सैलरी का कोई डिसीजन नहीं आता है, तब तक मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा। चाहे जो भी हो, जितना भी जो है हमको धमकियाँ मिले, प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, जो है हमको डरना नहीं है, वीडियो बनाना है। जो भी कहना है मुझे खुले मंच से कहना है, और तब तक कहना है जब तक वैक्सीनेटर और सहायकों की सैलरी जो है नहीं मिल जाती, फाइनल नहीं होता मामला। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज डिटेल्स में बता रहा हूं कि वीडियो बनाने से क्या होता है, सैलरी मिलती है नहीं मिलती है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप बने रहिए वीडियो में और समझने का प्रयास कीजिए कि वीडियो बनाए क्यों जाते हैं, इससे फायदा क्या है। इसका ये मतलब नहीं कि आप वीडियो देख लेते हो या फिर आधा वीडियो देखे आध में कट करके आप भाग लिए। आप किसी चीज को देखोगे, समझोगे, सुनोगे, जानोगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका मैटर क्या था, मतलब क्या था। तो आप लास्ट तक किसी की बात को नहीं समझते, बीच में ही कट करके भाग जाते हो। और कुछ लोगों को ये होता है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, पहले वीडियो देखिए, समझिए। हमको कोई, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, एक भी लाइक बंदा नहीं करेगा। अगर पसंद आता है तभी लाइक करेगा, कोई भी लाइक सब्सक्राइब में नहीं कहूंगा। आप पूरा वीडियो आप पहले लास्ट तक देखिए कि क्या मैटर है, क्यों हम आप लोगों से कहते हैं कि ये करो। आप प्रॉब्लम सैलरी को लेकर के दोस्तों आ रही है। वैक्सीनेटर की सैलरी आप सभी को पता है कोई फिक्स नहीं है, कमीशन बेस पे वर्क है। जितना आप करोगे, वैक्सीनेटरों का 3 रुपए और टैग लगाने का 2.5 रुपए जो है मिलना है। तो इतने में जो है किसी भी भाई का जो है वैक्सीनेटर या सहायक है तो उसका कल्याण नहीं होने वाला है। और सरकार को जो है देना पड़ेगा। सरकार से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, योगी जी से, माननीय मोदी जी से, जो भी सरकार सत्ताधारी है, आप देखिए उनके प्रॉब्लम के, देखिए बेचारे कितना जो है मेहनत करते हैं दिन रात। इनको कोरोना वॉरियर्स भी घोषित कर दिया जाए तो कम नहीं है, क्योंकि ये बेचारे भी कोरोना में देखिए लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जितने भी अधिकारीगण देखते हैं, सबसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इन भाइयों का जो है दोस्तों का कुछ करिए भाई, वरना ये तो भूखे बेचारे मर रहे हैं। कोई दिल्ली में काम करता था, कोई बॉम्बे में काम करता था, वह वहां से आ गया है, सोचा कि वैक्सीनेटर में हो जाएंगे, 4 पैसे मिलेंगे, कमाएंगे, यहीं घर पे रहेंगे, अपना काम करेंगे और छोटा मोटा काम कर लेंगे, जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन अब इसमें तो 8-8, 9-9 महीने हो रहे हैं, किसी को एक चमन्नी नहीं मिल रहा है। और अगर सरकार हो, मतलब कितना भी बड़ा जो है मंत्री जंत्री संतरी हो, अगर उसको पैसे ना दिए जाएं और सैलरी ना दी जाए या फिर उनको एक चमन्नी ना दिया जाए, तो वो ही अपना खर्चा करके दिखा के चला दे, कैसे चलेगा ये भी बता दे हमको कि उसका काम कैसे चलेगा। भाई अगर आपको ही ना दिया जाए, आप किसी भी मंत्रालय में बैठे हैं, आप कहीं पर बैठे हैं, मंत्री हैं, जंतरी हैं, संतरी हैं, निपोधारी हैं, तो आप बताइए अगर आपको चमन्नी नहीं दी जाएगी तो आप कैसे काम करेंगे और कैसे काम कर लेंगे और कितना जो है प्रोग्रेस कर लेंगे और किस हिसाब से जियेंगे। तो उसी प्रकार से हमारे वैक्सीनेटर और सहायक भाई भी जो है इसी देश के हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, जो सरकार ने बताया है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इनको सरकार को समझना चाहिए कि इनको भी दिया जाए, उचित मानदेय दिया जाए, ना ज्यादा दिया जाए तो 15,000 से 20,000 रुपए पर मंथ तो इनको दिया ही जाए, ताकि इनका जीवन यापन हो सके और ये आराम से जी सके। क्योंकि इससे कम में जो है जीवन यापन जो है संभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं इतना इनको जरूर मिलना चाहिए।